जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर आज का जेम्स। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, डिस्कशन सुना बहुत जबरदस्त था क्रिप्टो का, और बहुत अच्छे से देखना होगा इस शो को। एंड उससे पहले जोर से बोलो, एवरीबडी बोलो हैप्पी बर्थडे कुणाल जी। कुणाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एंड गाना गाने का मन तो था, मगर इस बार वो लेटेस्ट चल रहा है ना, तो उसके ऊपर मैंने अनिल जी ये बोल दिया। बट एनीवे, जो मेरा स्टॉक है वो ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज का। देखिए, ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स, मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों से ऑटो इंसिलरी पे काफी फोकस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में जो सेमीकंडक्टर चिप्स और ये सब को लेकर थोड़ी जो चल रही है, और प्लस अब अगर आप नई गाड़ी खरीदने जाओ तो 2.5 महीना 3 महीने की वेटिंग, और जो पेंट अप डिमांड थी कोरोना के बाद, और 2-व्हीलर्स 3-व्हीलर्स 4-व्हीलर्स सब में ही मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त माहौल बनने वाला है। और कुछ अगर क्रूड नीचे आता है, पेट्रोल भी नीचे आता है, तो और भी वापस से डिमांड बनेगी। और मुझे लगता है कि ये कंपनी जो 1981 से कार्यरत है, 13 प्लांट्स कंट्री के अंदर ये लोग चलाते हैं, और 7 ग्लोबल प्लेयर्स योको गोवा और जियो PPS जर्मनी के प्लेयर्स के साथ टाई अप के साथ ये अपने जो पार्ट्स बनाते हैं ऑटोमोटिव लैंप्स में काफी बड़ा प्लेयर है ये इंडिया का। सो 2-व्हीलर लाइटिंग, 2-व्हीलर के लिए ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, काफी सारे प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स बनाते हैं, फ्रेम चेसेस बनाते हैं। सो वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता लगता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर डीके जैन, ये डीके जैन ग्रुप की कंपनी है, 1981 से जो कार्यरत है, क्वालिफाइड मैनेजमेंट, और ये पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं एक्मा के। सो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी मैं क्वालिटी देख रहा था, बहुत जबरदस्त। अब 13-14 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है, डिविडेंड यील्ड 2% से ज्यादा का है, और 14-15 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, 8-10% की ग्रोथ ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट में दे रहे हैं। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, पिछले 4-5 क्वार्टर बहुत बेहतरीन गए हैं। जून का क्वार्टर लाजमी था, जून 2020 और जून 2021 के जो क्वार्टर्स थे वो लाजमी थे, लॉकडाउन और ये सब की वजह से थोड़े अफेक्टेड थे। बट पिछले सितंबर में इन्होंने 15 करोड़ का पैट किया, इस सितंबर में 23 करोड़ का पैट है। सो ओवरऑल जनरली ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स है, हालांकि 2-3 बार इन्होंने 23 करोड़ का पैट किया है। टीटीएम बेसिस में 71 करोड़ का पैट है, सो विच इज द हाईएस्ट। फिर मैं देखता हूं इनकी जो क्वालिटी ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर्स की तो 56% की शेयर होल्डिंग ही है, FIIs DIIs ने भी अपना अच्छा खासा इनमें शेयर होल्डिंग बढ़ाया पास में, और अभी 19-20% के लगभग उनकी शेयर होल्डिंग है। DIIs की 5% है, तो इस तरीके से 25-26% DIIs और FIIs के हाथ में है, और प्रोमोटर्स के पास 56% है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से FIIs DIIs का कॉन्फिडेंस और जो क्वालिटी मैनेजमेंट और जो सेक्टर में जो जोश है उसको देखते हुए लगता है, और 205 के लेवल से ऊपर दिखाया हुआ है, उसके सामने अच्छा खासा करेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि 175 का पहला टारगेट, 190 का दूसरा टारगेट आने वाले 6-9 महीने के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। बिल्कुल, तो आने वाले 6 महीने के लिए खरीद